Assalamualaikum. Hello, hi, namaste. Hope you are fine. As you know, I always try to connect you with the people who are doing great and inspiring the world. आज हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, जो कि इल्मी सिटी के फाउंडर हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं. आज हम जानेंगे उनके बारे में, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. हमारा मेन टॉपिक है कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हम उससे अपॉर्चुनिटीज को कैसे जनरेट कर सकते हैं. अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर. हम सबसे पहले इल्मी सिटी का आपने एक इनिशिएटिव लिया, और आई थिंक दिस इज अ रियली रिमार्केबल इनिशिएटिव. से बहुत कुछ लर्निंग में इनहेंस हो रहा है, बहुत इजाफा, और लोगों को बहुत कुछ जो एक पहले अनअप्रोचेबल था, नहीं किसी एक्सेस थी, वो भी लोगों ने उन लोगों का भी इंटरव्यूज लिए और उनसे भी सीखा, जो कि एक बेहतरीन चीज है. तो मैं सर ये जानना चाहूंगी कि आपको ये कैसे इसका आइडिया आया, कैसे इसके पीछे क्या आइडिया था, हाँ किसी ने इंस्पायर किया या खुद ही आ गया? इसमें इस तरह कि मेरी जो मैं फ्रीलांसर भी हूँ, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हूँ, हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग जो होता है वो गूगल और फेसबुक से होता है। तो पिछले 10 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो है मैं कोई तकरीबन 10 से ज्यादा ममालिक में घुमा हुआ हूँ। तो मैं जब दूसरे मुल्कों में जाता था तो मैं देखता था कि वहां की कौम के अंदर ना काफी ज्यादा अवेयरनेस भी है, वो चीजों को समझते हैं, वो खुद ही अपने माशरे को सही रखने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी चीज है कि अगर फर्ज करें कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे अगर कोई 10 करोड़ वाली गाड़ी भी है ना, वो रुक जाएगी। वो कहेगी जो बंदा पैदल जा रहा है ना, ये पहले जाएगा फिर हम जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जब बाहर के ममालिक में जाके हम देखें और फिर अपने हम अपने गिरेबान में झांकते हैं, अपना सोशल मीडिया देखते हैं, अपना टीवी मीडिया देखते हैं, तो मैं बड़े अरसे से, बचपन से वैसे तो मैं इस तरह का हूं कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे जहन में बड़ा कुछ था। फिर हमारे उस्ताद हैं, मुझे याद है हम उनसे लेक्चर लेते थे, वो बोलते थे, दिल बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती थी ना उन लोगों से हमें सुन के। लेकिन कभी भी जो टीचर्स हैं या जो भी डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहाँ पे वो जाएं और वो अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बात करें। तो ये ना काफी चीजों का गैप था, काफी ज्यादा आईटी की इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा सलूक कैसे करना है। हम वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा है, उन्हें ये नहीं पता कि हमसे मिलके पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान हमसे है। तो मेन जो इसका एक मकसद है ना, वो ये है कि अवेयरनेस को हम इंक्रीज करें, हम हर उस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए जिसके ऊपर कुछ भी अच्छा बोलने के लिए है, चाहे उसे एक बंदा भी सुन के उसकी जिंदगी पे कोई असर पड़ जाएगा ना, तो बस वो हमारा समझ लें कि उस दिन हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो मेन मकसद इसका बैकएंड में ये था कि मुख्तलिफ चीजें थी जो हम चाहते थे कि हमारे मुल्क में आए, तो उसके लिए हमने इसको शुरू किया। और अब आपने भी देखा कि 1 साल होने वाला है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसके ऊपर आए, और पाकिस्तान में फिर एक लाइव सेशन ट्रेंड ये शुरू हो गया जो बड़ा बिल्कुल, यानी कि स्टार्टिंग में हमने ये शुरू किया था, हमें देख के फिर बहुत से लोगों ने ये शुरू कर दिया, ये ट्रेंड भी चल गया। और मेन जो हमारा मकसद यही था कि लोग आए, बोले, उनको प्लेटफॉर्म मिले, और उन लोगों ने अपनी लाइव भी करनी शुरू कर दी वो सोशल मीडिया के ऊपर। हम उन लोगों को जबरदस्ती लाइव स्ट्रीमिंग में लेके आए जो कभी कैमरा फेस नहीं करना चाहते थे, शायद थे, तो क्या तो नॉलेज बड़ा था लेकिन उनको पता नहीं था कि हमने करना किस तरह। तो बस ये कोशिशें की हमने शुरू में, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसमें बड़ा सपोर्ट किया है, और जो एक मकसद था वो पूरा हो रहा है, और अभी इसको हम मजीद जो है वो ग्रो कर रहे हैं कि इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से हम दिखाएं लोगों को। बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा ही सर. जैसे हम भी बैठ के बात ही कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद लाइव सेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे एक और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये लोग कहते हैं कि अच्छा बातें करने से क्या होता है, बातें तो बहुत सारी अच्छी होती ही रहती हैं, तो हम सिर्फ आप लोग आके बातें ही करते हो, तो क्या बातें, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या बातें हमारी जिंदगी में, और अच्छी बातें हमारी जिंदगी में तब्दीली ला सकती हैं, हमें जगा सकती हैं, हमें झंझोड़ सकती हैं, और हम उसकी वजह से कुछ मुकाम या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ या मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। तो क्या होता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अपने किसी भी जानने वाले से मिलता हूँ, पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज से मैं मिलता हूँ, मैं उनके साथ यही बातें करता हूँ कि यार हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, इस तरह करेंगे हम मजीद बेहतर हो सकते हैं।
वो अगला बंदा माने ना माने, मैं अपने आप को, मेरा अपना विजन क्लियर हो रहा है, मैं अपने आइडियाज मेरे क्लियर हो रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, ऐसे करना चाहिए। तो क्या होता है कि ये बातें करने से ना हम मजीद, हमारे अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। फिर ये है कि सिर्फ बातें नहीं, बंदा साथ कोशिश भी करता है। जिस तरह हमारी ये सोशल मीडिया फील्ड थी, हमने एक साल में वो नाम बना लिया जो शायद कोई पिछले 5 साल में भी नहीं बना पाया। वो अब लोग अगर ये समझे कि यार ये तो सिर्फ आए और पाए, लक चल गए, लक चल गई, नहीं, हमारे पास पीछे हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल का। हमारा यानी कि 10, मैं अगर 2001 से मैं यूज कर रहा हूँ तो इस तरह मेरे पास 19 साल का एक्सपीरियंस है। तो 10 साल मैं प्रोफेशनली इस काम को लेकर चल रहा हूँ। तो क्या है कि बातें हमारी जिंदगी में बड़ी अहम होती हैं। हम जब करते हैं तो हमारा विजन भी क्लियर होता है, और हम अगर किसी से मिलेंगे, एक दफा कोई बात करेंगे, दो दफा करेंगे, तीसरी दफा वो कहेगा यार ये सिर्फ बातें कर सकता है, काम नहीं कर सकता। तो दो तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए ताकि हम इस चीज में और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएं, अपने विजन क्लियर करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली भी हमें पहले इस स्टेप को तो पूरा कर लें, हम यहाँ पे ही मार खा जाते हैं, और एक दफा ये हो जाएगा तो फिर आगे भी चीजें होती ही जाएंगी। सर, जैसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी है और सोशल मीडिया का हमारा टॉपिक भी है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में कितना किरदार अब हो गया हुआ है, और ये सोशल मीडिया को हम क्या अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा से शुरू से यही सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि पुत्र फेसबुक पे आईडी नहीं बनानी है या इंस्टाग्राम पे तो दूर रहना है, और जो बच्चे और जो लोग इसके ऊपर होते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। ये हमारे टीचर्स अभी भी जब हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं तो कहते हैं मोबाइल तो बच्चे ने परे रखना है, मोबाइल से दूर रखना है, तो ये एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। तो मैं इसके ऊपर थोड़े से आपसे जानना चाहूंगी कि हम इसको पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना, पेरेंट्स जो है वो हमेशा हमें इन चीजों से दूर रखते हैं। ये चीजें मैंने भी फेस की हैं, और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 99% लोग जो होते हैं ना, वो बच्चे यही फेस करते हैं वालदैन की तरफ से। असल में इस तरह है कि देखें, हमारे वालदैन की भी जो है ना एक तरबियत होने वाली है, इस लिहाज से कि वो ट्रेडिशनली पिछले वक्तों के मुताबिक चलते आ रहे हैं। माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा सोशल मीडिया नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, अकाउंट नहीं बनाना, या ये नहीं करना, वो हमेशा मना करते हैं। ये नहीं बताते कि इसके अल्टरनेट क्या किया जा सकता है, वो कर लो तुम, ठीक है। एक बच्चा है वो खेल रहा है, अगर आप उसे मना कर दो कि तुम नहीं खेलो, तुम सोफे पे चढ़ रहे हो, तुम गिर जाओगे, ना खेलो, तो वो बच्चा फिर क्या करेगा? वो उसके पास, आप सेकंड तो उसको कोई ऑप्शन दे ही नहीं ना रहे। अच्छा, माँ बाप को ना इस चीज को समझना चाहिए। जैसे कि मैं अगर अपनी वालदा की मिसाल देता हूँ कि अब आईटी का दौर आ गया, हम लोगों ने फोन पकड़ ली, उन्होंने कहा पता नहीं ये क्या हर टाइम फोन पे लगे रहते हैं। हमने क्या किया, हमने फोन खरीद के उनको भी पकड़ा दिया, व्हाट्सएप कर दिया, उनको स्टेटस देखना आ गया, व्हाट्सएप पे चीजें शेयर करनी आ गई, यूट्यूब देखनी आ गई, लोगों भी जो है वो उसके ऊपर उसको यूज करना शुरू हो गया। अब उनको पता चल गया कि ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया से हम लोग फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, इस तरह है कि ये दो तरह के लोग हैं। अब एक मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी फेसबुक ओपन करेगी, यूट्यूब ओपन करेगी, कोई यानी कि फेसबुक पे कोई चीजें देख लेंगे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद जो है वो बंद कर देंगे, यानी कि वो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर वही आम इंसान ये सोचना शुरू करे, जिस तरह मैं अगर शुरू में अपनी करूं बात, तो मैं फेसबुक जब हमने यूज करना शुरू किया, हमने सोचा कि यार फेसबुक को क्या फायदा होता है कि हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक को क्या फायदा है। जब मैंने इस चीज को समझना शुरू किया, मुझे समझ आई कि ये तो फेसबुक हमसे बड़े पैसे कमाते हैं, यानी कि अगर लाखों लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि कंपनीज अपने एड देती हैं, वो एड फेसबुक हमें दिखाता है, तो क्या होता है कि फेसबुक वहां से पैसा कमा रहा होता है। इस तरह और भी कई सोर्सेज हैं कि फेसबुक वहां से पैसा कमा रहा होता है। तो जब मैंने इस चीज को सोचा, मैंने कहा हम भी फिर फेसबुक से अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, इस फील्ड में आते हैं। तो क्या हुआ कि हम फिर प्रोफेशनली इस फील्ड में आए, और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा टाइम लगा, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए थे ना, तो तब लोगों ना यूट्यूब पे इस तरह की कोई वीडियोज होती थी, ना कोई इस तरह के सेशन होते थे, ना कोई इन्फॉर्मेशन होती थी। और तो क्या हुआ कि दो तरह के लोग हैं, एक बंदा वो जो एक टाइम पास करने के लिए यूज कर रहा है, दूसरा बंदा वो है जो इसको बा मकसद यूज करे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो आए, वो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ले ले। अगर
अगर कोई आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, वो यूट्यूब पे आए, फेसबुक पे आए, सर्च करेगा, उसे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो मार्केटिंग की करना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, वो कोई बिजनेस करना चाहता है, उसे हर तरह की चीज मिल जाएगी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें हर नई चीज को सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, वालदेन को भी चाहिए है कि वो बच्चे के साथ बैठ के ना समझा करें कि तुम कर क्या रहे हो, हमें समझाओ, ताकि बच्चा उनको वो बताए, जो बच्चा सोच रहा है वो उनको बताए। तो ये चीजें इस तरह क्लियर हो जाती हैं। वालदेन तो हमारा खैर अच्छा ही चाहते हैं, ये नहीं हम कह सकते कि वो हमारा अच्छा नहीं चाहते। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन बिल्कुल। और सर आई थिंक मुझे ये यूजली जब ऑब्जर्वेशन किया है तो यूजली वही लोग छुपा रहे होते हैं अपने अकाउंट्स को या अपने सोशल मीडिया चीजों को जिन्हें कोई खौफ होता है या जो उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अदरवाइज तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाई सबके साथ मिलके देखें, बिल्कुल इसको यूटिलाइज करें। और पेरेंट्स का जैसे आपने कहा, ये मैंने पर्सनली भी किया है कि पहले हमें मम्मा से पढ़ती थी कि ये क्या क्या करे, हमने मम्मा को दे दिया, अब मम्मा खुद उसके ऊपर लगी हुई होती है, वो अपना काम कर रही है तो उन्हें बिल्कुल पता है कि अच्छा कोई काम ही कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें उनको साथ लेके चलना है, ये बहुत जरूरी है। सर जैसे अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इस पे काम भी कर सकते हैं, तो आप, मैं थोड़ा सा इस पे जानना चाहूंगी कि किस तरह हमारे यूथ या लोग, अगर उनके पास आईडीज बनाई हुई हैं, तो एक तो हम लोग जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की कि मैनर्स की हैं, थोड़े से एटिकेट्स होते हैं वो, उनका हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते, हम लोग को इतनी उसकी यूज हमने सीखे भी नहीं होते तो हमें जरूरत भी नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरह के एटिकेट्स की क्या जरूरत होती है, किस तरह से हमें लेके चलना होता है, और फिर हम किस तरह से अपने फील्ड के रेलिवेंट चीजों को सर्च आउट कर सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने काम के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जो सोशल मीडिया है ना, ये हमें हर तरह की वो ऑप्शंस देता है, जिसके मुताबिक उन ऑप्शंस को अगर हम सेट कर लें तो हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुन सकते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं, छुपाते हैं, असल में होता यह है कि यानी कि मैं अगर अपने किसी दोस्त का जिक्र करूं ना, ये भी नहीं पता होता कि अगर हमने पेज के अपने अकाउंट के ऊपर कुछ भी करना है तो वो समझते हैं कि सबको पता चलेगा। अगर मैं कोई पेज लाइक करूंगा सबको पता लग जाएगा, अगर मैं किसी की पोस्ट लाइक करूंगा सबको पता चल जाएगा। होता यह है कि लोग जो होते हैं ना, वो सीखते नहीं है, बस जितना उनको आ जाता है वो उतना उसको करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, जिस तरह अगर कोई यूट्यूब यूज कर रहा है, कोई फेसबुक यूज कर रहा है, अगर वो इन चीजों को समझ लें कि प्राइवेसी क्या चीज होती है, लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, हमें किन तरह का कंटेंट हमें देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये सब हमारे अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो अब फर्ज करें कि मैं अगर आईटी की फील्ड से हूँ और मैं नहीं पसंद करता कि मेरे सामने ये शर्मगेज खबरें आ रही हों और न्यूज आ रही हो या कोई इस तरह की छोटी सच्ची चीजें, मैं क्या करता हूँ, अगर इस तरह की कोई पेज होगा मैं उसको कभी लाइक नहीं करूंगा। अगर मैंने कर लिया है कोई पेज या किसी को मैंने फ्रेंड बनाया और वो इस तरह का कंटेंट शेयर कर रहा है जो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उसे अनफॉलो कर दूंगा। तो अगर इस चीज को हम समझ लेना तो ये बड़ा आसान है, और बिल्कुल हर चीज का फायदा होता है, नुकसान भी होता है, हमारी मर्जी है ना कि अगर हम फर्ज करें यूट्यूब ओपन करते हैं, हम उसके ऊपर चाहे इस्लामिक वीडियो देखने शुरू कर दें, हम उसके ऊपर चाहे कोई गाने देखने शुरू कर दें, ये तो हर इंसान के अपने ऊपर होता है। तो हर बंदा जो है वो इसको हैंडल कर सकता है, ये उसके अपने अंदर है कि वो इसको किस तरह यूज करना चाहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप क्या समझते हैं, कैसे अभी कोविड ने भी हमें थोड़ा सा बता दिया कि हमारे तो सारी चीजें पेपर वर्क के ऊपर हुआ करती थी, हमारे दफ्तरी बहुत सारी चीजें, लेकिन अब हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुस्तकबिल होने वाली है और हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग इसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी, हमें हम इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और हम इसमें अच्छे हो जाएंगे, ये हमारा मुस्तकबिल बन जाएगी? अच्छा, इसमें अगर हम आज से ना कोई 10 साल पीछे चले जाएं तो एक सिंपल ना MSN मैसेंजर होता था, Yahoo.com की वेबसाइट होती थी, और इस तरह की ना छोटी छोटी सोशल वेबसाइट्स यहाँ होती थी सारा कुछ। अच्छा, उसके अलावा क्या होता था कि
कहीं मोहल्लों में बैठकें बनी होती थी, लोग वहां पे बैठा करते थे और बातें किया करते थे, और इसी तरह का सारा एक सिस्टम होता था घरों में, जो किसी ने मिलना मिलाना वो एक दूसरे के घर में आ जाया करते थे, और हर रोज या 2-3 दिन छोड़ के सबने एक जगह किसी ना किसी घर में इकट्ठे होना होता था। ठीक है, अच्छा, टेक्नोलॉजी जब अब बदली है, आप देखें कि अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं अपनी फैमिली के अलग, अपने कॉलेजेस के अलग, अपने कलीग्स के अलग। क्या है कि वो व्हाट्सएप के अंदर हम हर टाइम आपस में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल पीछे चले जाएं, बिजनेस जो होता था वो बड़ा ट्रेडिशनल होता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आज के दौर में आप देखें, आपके पास पैसे नहीं भी है ना, आप फिर भी ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हैं, आप कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये तो 10 साल में हमने ये वाला फर्क देखा ना, आप ये सोचें कि अगले 5 साल बाद या अगले 10 साल बाद हम कहाँ पे होंगे, किस लेवल पे हम होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस होगा। लोग, अब पाकिस्तान में क्या होता है, हम लोग जो है ना, अभी हम शॉपिंग करते हैं तो फ्रॉड किस्म के लोग हमें बड़े नेट पे बैठे हुए मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि खराब चीजें बेच रहे हैं या धोखा दे देते हैं, ये इस तरह का कर देते हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग घरों में बैठे चीजें खरीदेंगे, ऑनलाइन बिजनेस चलेंगे, फ्रीलांसिंग का काम आगे बढ़ जाएगा, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो आगे आने वाले वक्त में हमें मिलने वाली है। जी बिल्कुल ऐसा ही सर। सर एक और ये क्वेश्चन है कि यूथ का हमेशा हमें हमारे बड़े कहते हैं कि यूथ की डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके ख्याल में क्या हमारी यूथ किस तरफ चल रही है, क्या ये सही ट्रैक में चल रही है, या इसको अपनी जो खुद को रीडायरेक्ट करने की जरूरत है, कुछ थोड़ा सब्र करके थोड़ा सोचने की जरूरत है कि वो किस तरफ जा रही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे मुल्क के अंदर ना मोटिवेशनल स्पीकर्स की बड़ी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। पहले जो वक्त होता था, हम लोग अपने बड़ों के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, वो हमें गाइड करते थे, वो हमें अच्छा बुरा समझाते थे। ठीक है, लेकिन अब आज के अगर दौर की बात करें तो हम क्योंकि सोशल हो गए हैं, हम अपने बड़ों के पास भी बड़ा कम बैठते हैं, हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं है और हमें कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं है। हमारे हाथों में फोन है, हमारी यूथ के वो बच्चे जो मर्जी यूज कर रहे हो, वालदेन नहीं देख सकते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर जितनी देर में वालदेन उसके सर पे आएंगे, वो सिर्फ उसने हल्की सी फिंगर को यूं टच करना है और पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है। तो क्या होता है कि बच्चों को आप इस तरह यानी कि उनका ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन उनके माइंड सेट इस तरह के बनाए कि वो ये सोचें कि आने वाले वक्त में हमने कुछ बनना है। अच्छा, स्पीकर्स की अब अगर हम अपने इंडिया को अगर देखते हैं, आप देखें उनके उनके इतने स्पीकर्स हैं उनके जो बोलते हैं, हमारे पास जो है सिर्फ 2-3 लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में मेन स्पीकर्स हैं। तो क्या है कि लोगों को ये माइंड वॉश होने की बड़ी जरूरत है, इनको अपडेट होने की बड़ी जरूरत है। इंटरनेट पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बंदा जो है अगर वो आके टिकटॉक देख के चला जाता है, यूट्यूब देख के अपने घंटे पर बात कर रहा है, वीडियो देख के, अगर वही बंदा इसी चीज को लर्न करना शुरू कर दे, सीखना शुरू कर दे, तो वो काफी ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकता है कि वो अपने घर बैठे हुए पूरी दुनिया से हर तरह का नॉलेज जो है वो कलेक्ट कर सकता है। अब हम आईटी की फील्ड से, हमें अगर कोई कोई इशू आ जाता है, अगर नहीं रिजोल्व होता, हम उसको गूगल करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। फर्ज करें क्योंकि 7 समंदर पार किसी बैठे हुए बंदे को वो मसला आया था, उसने उस मसले को रिजोल्व किया और उसने वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल दी और हमें यहाँ पे बैठे हुए पता चल गया कि इस मसले का सलूशन कैसे है। तो यही चीज है कि हमें अपने माइंड्स को बेहतर बनाने की जरूरत है, यूथ का माइंड सेट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नौजवान कामयाब नौजवान है, घर बैठे पैसा कमाए, गवर्नमेंट खुद भी बड़ी कोशिश कर रही है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये कैंपेन्स इस तरह की चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी आएगी और इंशाल्लाह लोग जा भी रहे हैं इस फील्ड की तरफ, अपने आप को बेहतर भी कर रहे हैं। यूथ, अल्लाह का शुक्र है कि यूथ हमारी जो है बड़ी टैलेंटेड है, बस एक दफा वो समझ ले चीजों को, उसको रास्ते नजर आ जाए, फिर वो यानी कि उनको कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता। तो ये बस हमें अपनी यूथ को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है।
बिल्कुल ऐसे ही, और हमारा काम है पैगाम पहुंचाना, और जितनी बिल्कुल जैसे आपने कहा, जितनी ज्यादा आवाजें होंगी, जितने ज्यादा लोग इस पर बात करेंगे, बोलेंगे, सही पैगाम देंगे, उतना ज्यादा वो बढ़े जाएगा, और उतना ज्यादा फिर आप उसी चीज जो चीज ज्यादा होती है, आपका माइंड सेट सर्टनली उसी चीज की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इंसान वो करना शुरू कर देता है। सर ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी लाइफ की कोई सबसे बेहतरीन लर्निंग या कोई भी चीज जो आपने सीखी हो या जिंदगी ने सिखाई हो, किसी ने सिखाई हो, जो आप हमेशा कहते हैं कि ये मुझे अपने साथ रखनी है, इस पे तो मुझे हमेशा अमल करना है, तो अगर आप आज वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मैं अगर अपनी कोई स्ट्रगल बताऊं कि सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली फेसबुक की एक बात बताता हूँ कि फेसबुक पे ग्रुप बनता है। ग्रुप्स में क्या होता है, जिस तरह हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह फेसबुक पे भी एक ग्रुप बनता है। और उसकी व्हाट्सएप पे तो ग्रुप की लिमिट है ना, 256 मेंबर्स होते हैं, वो बड़ा लिमिटेड था। फेसबुक के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती थी। तो पुरानी बात है, शायद 2013 की बात है, मैंने नया ग्रुप क्रिएट किया। और तब फेसबुक इतनी पॉलिसी सख्त नहीं होती थी, हमने बड़ी कोशिश कर करके कोई 2 महीने या 3 महीने लगा के मैंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को मैंने 1 लाख मेंबर का ग्रुप बना लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, उसको 1 लाख मेंबर का मैंने ग्रुप बना लिया और वो इतना एक्टिव होता था। अच्छा, मार्केटिंग माइंड था मेरा कि 1 लाख जितने ज्यादा मेंबर होंगे, हम इसके अंदर अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, हम इससे फायदे उठा सकते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन ना कुछ इंडियंस ने अटैक किया उस ग्रुप में, और उन्होंने कोई बड़ी ऐसी पोस्ट डाली जो बहुत ज्यादा वॉयलेशन वाली थी, और हमारा वो ग्रुप जो है वो बंद हो गया। अच्छा, उसमें अब जो है ना, मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ। मैंने 2 चीजें सीखी। एक तो ये कि जब अल्लाह ताला आपको कोई चीज देता है, तो आपको उसको सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, उसको सिक्योर करना आना चाहिए। दूसरी चीज के मैं ऊपर से नीचे गिर गया, यानी कि इतनी मेहनत करके एक चीज बनाई और वो हाथ से निकल गई। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या मैं अब इसको छोड़ दूं और कुछ और शुरू करूं, या मैं दोबारा नए सिरे से 0 से शुरू करूं। अच्छा, तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग कुछ कर रहे होते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं या हो रहे होते हैं, नुकसान होता है और वो छोड़ के पीछे हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं यार, फायदे कोई नहीं। अच्छा, मेरे साथ जब ये हुआ कि मैंने फेसबुक का ग्रुप था, मेरा 1 लाख मेंबर थे, नुकसान हो गया, मेरी 3 महीने की मेहनत जाया हो गई। मेहनत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम काम करते हैं कोई 18 घंटे से 20 घंटे, अपने अगर इंटरनेट पे बैठे हैं तो हमें आदत पड़ गई हुई है कि आईटी की फील्ड है, हमने यहीं पे फिल्में भी देख लेनी है, साथ साथ काम भी कर लेने हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, वो जिंदगी में बड़ा कुछ सीखते सीखते स्टेप बाय स्टेप कामयाब हो रहे होते हैं, एक झटका लगता है, नीचे गिरते हैं और वो फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी अभी ये हुआ, लेकिन मैंने फिर दोबारा से कोशिश की। मैंने कहा कुछ नहीं होता, 1 लाख थे, मैं दोबारा कोशिश करूंगा तो फिर हो जाएगा। अच्छा, हमने फिर कोशिश की मैंने, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो है ना, 2 मिलियन मेंबर्स तक के ग्रुप हैं, और एक नहीं है, पता नहीं 20 से भी ज्यादा है। ठीक है, कोई 5 लाख मेंबर का है, कोई 10 लाख मेंबर का है, कोई 20 लाख मेंबर का है। तो क्या था कि अगर मैंने ये चीज सीखी कि हमने इसमें कभी भी जो है ना, हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरी चीज, कारोबार में जो बिजनेस होता है, कोई भी लोग जो है, कोई भी इंटरनेट पे आप काम करना चाहते हो, कहीं पे भी जिंदगी में आप काम करना चाहते हो, कभी ना अपने दिल में आपने ये नहीं सोचना कि हमने कोई धोखा देना है, फ्रॉड करना है। छोटी सी मिसाल अपनी दे के मैं बात खत्म करता हूँ कि गूगल एडसेंस है एक, जिससे हम पैसे कमाते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब कंपनी का ही वो पार्ट है गूगल एडसेंस, वहां से हम पैसे अर्न करते हैं। जब हमने नए नए पैसे वहां से अर्न करने शुरू किए, तो वो कोई बन जाते थे महीने के कोई 20 से 25 हजार। ठीक है, और 2013 की बात ही है, उस टाइम ये भी बड़ी रकम होती थी। अच्छा, इतने पैसे बन जाते थे। एक दिन मुझे एक दोस्त मिला, वो वेब डेवलपर था। उसने कहा मैं तुम्हें ना एक सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट देता हूँ, उससे क्या होगा कि ऑटो बूट पे ना वेबसाइट चलेगी, ट्रैफिक आएगी, और गूगल को ऐसे लगेगा कि लोग ज्यादा आ रहे हैं और आपको हर महीने गारंटेड 50,000 आएगा। अच्छा, उसने मुझे कहा आप इस तरह ना ये भी कर सकते हो। अब मैंने ना उसकी बात सुनी, और लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, मैं गूगल के साथ अब मैंने काम कर रहा हूँ, गूगल एडसेंस से मैंने पैसे कमाने हैं, तो अगर मैं जिस जिस सोर्स से मैं पैसे कमा रहा हूँ, अगर मैं उसके साथ बेईमानी करूंगा, अगर मैं उस सोर्स के साथ कोई भी ज्यादती करूं। अब यहाँ पे एग्जांपल हो सकती है कि आप किसी के भी साथ बिजनेस शुरू करने लगे, अगर आप ये सोच लें कि
कि मैंने कोई बेईमानी करनी है तो क्या होता है कि वो एक तो पैसे भी हराम हो गए, दूसरा आप जिंदगी में उस तरह तरक्की नहीं कर सकती हैं। अच्छा, मुझे उसने कहा कि जी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, 50,000 महीने का कमाओगे। मैंने उसे कहा नहीं यार, मैंने इस तरह का पैसा नहीं कमाना, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, सीख के कमाएंगे जितना भी होता है। तो उसके बाद बात आई गई होगी, कुछ 6 महीने के बाद ना मेरी उससे दोबारा बात हुई। तो उसने मुझे पूछा कि काम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा आप भी कर रहे हो? उसने कहा नहीं यार, मैं तो उसी महीने मेरा बंद हो गया था, यानी कि पैसे आने थे, 50,000 बन गए थे, लेकिन आने से पहले गूगल ने वो अकाउंट बंद कर दिया था। तो कहता आप कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, बस मैं भी कुछ 10-20 हज़ार कमा ही देता हूँ अभी भी ना। कहता अच्छा, अब बात क्या थी? अच्छा, तब तक जो है ना हमारी अर्निंग जो है वो कोई काफी ज्यादा हो गई थी, यानी कि 5 फिगर से ऊपर जा चुकी हुई थी। क्यों चली गई हुई थी? क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे, हम अपनी पूरी नेक नीति के साथ काम कर रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमने गूगल के साथ फ्रॉड करना है। और दूसरी तरफ बंदा, वो बंदा जिसके पास ट्रिक्स थे, वो उसी महीने में खत्म हो गया था, ठीक है? और वो 2013, आज 2020 है, हम आज तक अपना वो काम कर रहे हैं। तो जिंदगी के अंदर जब भी हमने किसी के साथ भी काम करना है ना, क्लियर बंदा बात करे, दिल में ना रखे। अगर ये बंदा सोचता है ना, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े काम शुरू किए हैं, बड़े फायदे भी हुए हैं, बड़े नुकसान भी हुए हैं, जहां पे आपका पार्टनर या आप ये सोच लोगे ना कि यार मैंने इससे फायदा उठाना है, ये अगर ये होगा मैं ये कर दूंगा, इसको फारिग कर दूंगा, इसके साथ काम खत्म कर दूंगा, ये सोच के आप कोई भी काम शुरू करोगे ना, वो कभी भी नहीं ग्रो कर पाता। वो थोड़ा सा चलेगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बेईमानी होती है, कुदरत भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये 2-3 चीजें हैं कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारें, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ धोखा या बेईमानी ना करें, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, रुकना नहीं है, चलते रहें, अपनी मंजिल तक इंसान पहुंच ही जाता है। बेहतरीन, आई थिंक ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात की है, क्योंकि ये हम यूथ जो भी स्टार्ट ले रहे हैं या इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी था, और ये हमारे अक्सर माइंड में ये चीजें सारी होती हैं। सर ये अगर हम मैं कहूँ कि हम जितने मर्जी भी अच्छे बन जाए ना कहीं हमारे अंदर वो नेगेटिविटी चल जाती है, हम कुछ चीज देखते हैं लालच भी आ जाती है, अच्छा चलो ये काम कर लेते हैं ये एकदम से हो जाएगा। तो मैं सर ये इसको हम आप कैसे इसके लिए कोई सोल्यूशन रखते हैं, कैसे आपको जब ये ओवरकम करते हैं कोई आपने लर्निंग के लिए रखी हुई है चीजें, इसी तरह जिंदगी में बाज़ औक़ात जैसे आज टेक्नोलॉजी कह रहा है, तो जैसे आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम काम करते ही जा रहे हैं, कोई एकदम से आया है, कल का बच्चा है या कल का बंदा है, एकदम से आया और एकदम से छा गया है, एकदम से हो गया है, तो हम आप सोचते हो कि मैं तो इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा तो मैं तो अभी तक वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया, तो आपके अंदर वो चीज वो एक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना भी शुरू कर देती है। ये सारी चीजें भी सोशल हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिल रही है, कहीं पे स्ट्रेस है टेंशन है, क्योंकि जब आप देखते हो हर जगह पर अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं और हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं या इसको कैसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं? इसमें ये है कि जिंदगी के अंदर ना, पहली तो एक चीज पे हमें यकीन होना चाहिए कि जो रिजल्ट हमारे नसीब में लिखा हुआ है ना, हमें वही मिलना है ना। हम उससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं ना उससे कम हासिल कर सकते हैं, जो हमें मिलना है वो मिलना ही मिलना है। अच्छा, अब इस तरह हुआ कि फर्ज करें कि जिन असातिज़ा से या जिन लोगों से हमने सीखा, जिन लोगों से हमने सीखा वो महीने का फर्ज करें 50,000 कमा रहे थे, उनसे सीख के हम 5 लाख कमाना शुरू हो गए, ठीक है? वो उनके नसीब से जो उन्होंने सीखा, ये हमारे नसीब से जो हमने सीखा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक मेन चीज आ जाती है कि आपका फोकस कितना है, आप कितने जुनून के साथ काम कर रहे हो। फर्ज करते हैं कि एक बंदा होता है, वो जिंदगी में एक आइडिया सोचता है कि यार ये मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं ये आइडिया कर दूं ना तो मैं कामयाब हो जाऊं और मैं लाखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, मुझे नौकरी करने की जरूरत ही ना रहे। लेकिन वो रिस्क भी नहीं लेता। वो फर्ज करें कि वो अगर कहीं जॉब कर रहा है, उसके पास आइडिया है कि बिजनेस आइडिया, मैं ये जॉब छोड़ दूं, ये बिजनेस कर दूं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेता कि नहीं मेरी जॉब चली जाएगी, और वो उस आइडिया के ऊपर अमल नहीं करता। फिर क्या होता है कि 5 साल बाद वो देखता है कि सेम वही आइडिया था जो मैंने कभी सोचा था, किसी और ने वही आइडिया यूज किया है, न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीरें आ रही हैं, मीडिया में उसकी तस्वीरें आ रही हैं, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये तो मेरा आइडिया था, तो काश मैं इसको कर ही लेता तो तब मैं इतना फेमस हो जाता। तो यहाँ पे इस चीज से हमें ये सीखना चाहिए कि जिंदगी में ना रिस्क लेने चाहिए। हम रिस्क लेंगे तो कुछ करेंगे ना, लेकिन रिस्क लें आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ, मुकम्मल सीख के उसको ना। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई बच्चा है,
वो पढ़ के निकलते हैं, माँ बाप के पास पैसा होता है, वो कहता है यार मैं फलां बिजनेस शुरू कर दूं, तो क्या होता है वो बिजनेस शुरू करता है और 100% वो खत्म हो जाता है, उसका पैसा सारा बर्बाद हो जाता है। क्यों? उसके पास वो नॉलेज नहीं होता, उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं अगर फर्ज करें हमारे पास जो लोग काम करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार आपने अगर कल को जिंदगी में फर्ज करो आज हम इस टेबल की इस साइड पे बैठे हुए हैं, बॉस की साइड पे, आप उस साइड पे हो, कल को हो सकता है आप इस साइड पे आ जाओ, आप अपना बिजनेस शुरू करो, आपके सामने भी लोग बैठे होंगे। अच्छा क्या होगा कि ये लोग सीखते हैं हमसे कि हम किस तरह बिजनेस कर रहे हैं, हमें क्या नुकसान होते हैं, जब नुकसान होते हैं हम कैसे हैंडल करते हैं, हम नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं। कोई भी कहीं भी जॉब करता है 2 साल 5 साल 7 साल उसको लगा देने चाहिए, क्योंकि एक जॉब होल्डर बंदा जो होता है ना उसके पास एक लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके ऊपर वो रिस्क लेने से हमेशा डरता है। उसको क्या चाहिए, वो 5 7 साल कहीं पे जॉब करे, वहां से एक्सपीरियंस ले और फिर वो अपना काम शुरू कर दे। अच्छा तो क्या होता है कि नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम लोगों का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मुकम्मल प्लानिंग करने के बगैर ही जो है ना काम शुरू कर लेते हैं और हम जो है इसमें नुकसान उठा लेते हैं। अच्छा सवाल अपना दोबारा दोहराइएगा, मेरे जहन से निकल गए, मैं ताकि उसका जवाब आपको सही से इसको कर सकूं। जी सर, सर मैं सिर्फ यही कह रही थी कि हम इस नेगेटिविटी को या ये जो चीज होती है हम इनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, या हमें, क्योंकि ये तो यूजुअली हमारे साथ चलती ही रहती है, तो कोई लर्निंग किसी की सुन ली, अपने आप को किस तरह से, अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना नेगेटिविटी को छोड़ दें, मैंने पहले भी बताया हमें अपना जहन खुद बनाना है, फोकस हमने करना है। हाँ आपने एक चीज कही थी कि कोई हम बाद का डिस्टर्ब होते हैं कि कोई हमारे बाद में आया है और वो हमसे आगे निकल गया, तो उस बंदे ने फोकस के साथ काम किया। होता यह है कि जिंदगी में जब हम कामयाब हो जाते हैं ना, जब हम कामयाब हो जाते हैं और हमारा एक अच्छी अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है, तो एक इंसानी नेचर है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो जिस स्पीड से हम पहले आ रहे थे, जो हम सोच रहे थे, जितनी हम मेहनत कर रहे थे, वो सब रुक जाती है, ठीक है, या वो बहुत स्लो हो जाती है। तो लेकिन उसी वक्त में कोई एक नया बच्चा उन्हीं चीजों को देख रहा होता है, आपको देख रहा होता है, वो आपसे सीख रहा होता है, लोगों से सीख रहा होता है, और वो उसी अपना फोकस जो है वो मेन चीज पे रख के मेहनत कर रहा होता है, तो क्या होता है वो आगे निकल जाता है। तो इसमें कसूर किसी का भी नहीं होता, अपना होता है इंसान का, कि आपने, मैं कहता हूँ जब आप जिंदगी में कामयाब हो जाओ ना, या आप एक अच्छा अर्न करने लग पड़े हो, या आप किसी कुछ किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते थे और आप जब आप एक्सपर्ट बन गए हो, तब आप पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दो। क्योंकि क्या है कि अब आप एक्सपर्ट तो बन गए हो, अब आपने इस लेवल को बरकरार भी रखना है और इसे और मजीद ऊपर भी लेके जाना है। तो मेन ये चीज है कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सोचे तभी आती है जब बंदा फारिग होता है। अगर एक बंदा मसरूफ है, बिजी है, अच्छा ये पूरी दुनिया में एक मसला है, जो भी लोग हैं जिनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं या वो लड़ते हैं, फजूल बातें करते हैं, वो सिर्फ जो है ना सोचते हैं, करते नहीं है, ठीक है। और एक बिजी आदमी जो होता है ना, वो कभी भी, अब आप मसरूफ हो ना, आपको पता चलेगा किसी ने आपके बारे में ये कह दिया है, ये हो गया फलाना, किसी ने कह दिया फलाने ने आपकी पोस्ट के ऊपर ये कर दिया, आप बोलिए यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, कोई करता है करता रहे, मुझे क्या लगे। तो बिजी इंसान को अपने आप को रखना चाहिए, आप हर तरह की नेगेटिव सोच से भी बच जाते हो, बड़े मसाइल से भी बच जाते हो। बस मैं यही, बेहतरीन, आई थिंक दिस इज रियली ऑसम पॉइंट। बिल्कुल जैसे आपने कहा, जब आप मसरूफ होते हैं, जब आप बस भी सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता इर्द गिर्द की बिल्कुल तमाम चीजों को, बिल्कुल, और वही स्पिरिट बिल्कुल रिलैक्स जैसे ही इंसान होता है, आई थिंक वहां पे ही आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, या वहां पे ही आप उस तरह स्पीड से काम नहीं करते। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, इतने बेहतरीन सेशन के लिए। बहुत सी चीजें मैंने खुद सीखी हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने, क्योंकि मैं तो अभी नई नई काम शुरू किया है, तो मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, तो मैंने आज बहुत सी चीजें सीखी हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दी, और आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहे। सर एट द एंड, एनीथिंग यू वॉन्ट टू से, वैसे तो हर बात में एक पैगाम था, मैसेज था, लेकिन फिर भी आप कुछ भी कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें। क्योंकि मेरी आईटी की फील्ड है, मैं यही पैगाम दूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझे, आने वाला वक्त जो है इसमें वही लोग आगे निकल जाएंगे। फर्ज करें कि जिस तरह भी हम इस तरह बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, मे भी कि ये आगे फ्यूचर में मजीद अपडेट हो, इसमें मजीद टेक्नोलॉजी आए, इसके मजीद हमें फायदे भी होने शुरू हो जाए, क्या होगा कि
अब आपका फेस लोग देख रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। कल को आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती हो, कुछ भी करती हो, कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करती हो, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। सिर्फ आपकी मिसाल दे रहा हूँ कि हम इस तरह अगर कर रहे हैं, तो कोई भी फील्ड हो, आप आईटी में एक्सपर्ट बने, ट्रेडिशनल जॉब छोड़ दें कि वही किसी ऑफिस में जाके जॉब करनी है या इस तरह का कुछ करना है। फ्रीलांसिंग फील्ड में आ जाएं, आईटी एक्सपर्ट्स बन जाएं, वेब डेवलपर कुछ भी बन जाएं, लेकिन आईटी को पकड़ें। टेक्नोलॉजी यही है, इसी से आने वाला मुस्तकबिल है और यही हमारा फ्यूचर है। बस लोगों को ये चाहिए कि टाइम ना जाया करें इसके ऊपर, इसको लर्न करें, इसको समझें और अपनी भी जिंदगी बेहतर बनाएं। और ये भी सोचें कि जैसे हम एक छोटी सी बात बता के बात खत्म करता हूँ। एक दो तरह के लोग होते हैं। एक बंदा वो होता है जो कहता है यार मैंने कामयाब होना है, मैं एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ या मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और वो करता है और वो कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ एक सोच होती है कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है और मैंने ना कई लोगों को जॉब देनी है, मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा या बनाऊंगी कि मैं कई लोगों को जॉब दे दूंगी। तो क्या होगा कि मेरी वजह से लोग घर बैठे पैसे कमाएंगे या मेरी वजह से कहीं ऑफिस ओपन होंगे और लोग पैसे कमाएंगे। तो ये दो सोचें होती हैं, और जो एंटरप्रेन्योर वाली सोच है ना, कामयाब दोनों हो जाते हैं। एक इंसान है वो अगर ये सोचेगा वो इस तरफ चला जाएगा, अगर वो दूसरी साइड सोचेगा वो उस तरफ चला जाएगा। जिस तरह मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मैंने हमेशा यही सोचा कि यार मैंने जॉब देनी है ज्यादा से ज्यादा ना लोगों को फायदा हो। तो क्या है कि अल्लाह ताला मुझे फिर मौके भी वैसे ही देता है, मेरे काम भी वैसे ही होते हैं, मैं उसी तरह की मुझे जो ऑप्शंस मिलती हैं। तो हमें अपनी सोच जो है ना वो इस तरह की बनानी चाहिए कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने पाकिस्तान में बड़े लेवल पे काम करना है, मैंने दुनिया में बड़े लेवल पे काम करना है, मैंने अपने साथ एक टीम बनानी है। तो इस तरह का जो है ना, मेरे ख्याल में ये यही मेरी आज की बात है सबके लिए कि अपना माइंड ऐसा बनाए कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है और आपने कई लोगों को सपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह देखें, अल्लाह ने कामयाब तो सबको ही करना है, जो मेहनत कर रहा है उसको अल्लाह ने कामयाब कर ही देना है। तो सोचें कि जो बंदा कामयाब हो जाता है वो आगे 20 लोगों को जॉब देता है, और वो 20 खानदान आपकी वजह से 20 खानदानों को रिजल्ट मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए अपने। बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल आई थिंक। और सोच ही आपको आगे उस तरफ ले जाती है, जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। सोच एक पहला स्टेप होता है और ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की सोच रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम एट द एंड हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं, इसी तरह पॉजिटिव माशरे को बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर, मेनी ब्लेसिंग्स, अल्लाह हाफिज।